तो हेलो दोस्तों की तुम मैं हूँ कोड एंड आज मैं बात करूँगा प्रोमिस नेवरलैंड। तुम प्रोमिस नेवरलैंड तो ये जो एनिमी है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड ये एनिमी बहुत अच्छा। इसका मैं पहले जॉनर बता देता हूँ, डार्क फैंटेसी है, साइंस फिक्शन और थ्रिलर को लेके और हॉरर भी। तो ये एनिमी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक होता है ऑर्फनेज जहाँ पे बहुत से बच्चे जिनकी एज तुम ले सकते हो लास्ट एज जो है 11, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ फिक्स है जो तुम्हें आगे पता चल जाएगी कि यहाँ पे जो बच्चों का एज ए डिनर यूज़ किया जाता है जो मॉन्स्टर के लिए होता है। एंड ये चीज़ कैसे पता चली उसकी तुम्हें एनिमी देख लेना। एंड ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आए वो चीज़ मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस सीरीज़ के अंदर। तो इसके अंदर है क्यों सब यहाँ पे जब फर्स्ट एपिसोड में इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि ये सब मॉन्स्टर के रिलेटेड ही है एंड इसकी सबसे पहली खबर होती है एमा और नॉर्मन को, जहाँ से ये रेल को ये बताते हैं, जहाँ से इतना ही इस एनिमी के अंदर इनकी फिर नई प्लानिंग रहती है कि कैसे भी करके इस आइलैंड से वो निकल जाए, आई मीन यहाँ इसको छोड़ के जाए, जहाँ पे ये लोग धीरे धीरे प्लानिंग करते बाकी के बच्चों को भी लेके। तो यहाँ पे ये लोग प्लानिंग तो कर लेते कि यहाँ से इनको निकलना है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती सीरीज़ की इस एनिमी के अंदर वो होती इजाबेला। ये वैसे दिखती मासूम है बट ये उतनी होती नहीं है, ये इतना ही नहीं, ये बहुत ही खतरनाक है। इस एनिमी के अंदर इससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं है। एंड जहाँ से ये बात इजाबेला को पता भी चल जाती है कि ये तीनों पांच जन असल में प्लानिंग करे यहाँ से भागने की और अपने साथ बाकियों को भी ले जाने की, जिसके कारण इजाबेला इनके ऊपर ज़्यादा नज़र रखती है और इनके प्लान भी फेल हो जाते हैं कई बार। तो इस एनिमी के अंदर एक चीज बहुत सारी चीज़ें जिनकी पेनल्टी रहती है, जैसे कि यहाँ पे जो लास्ट एज है वही 11 और यहाँ पे इन तीनों की एज भी 11 तक होने वाली है। अब इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि 11 साल की उम्र के बाद दिमाग में पता नहीं क्या हो जाता है, जिससे पहले जो हमारे जो मॉन्स्टर्स है इस सीरीज़ के अंदर उनको फ्रेश ही चाहिए होता है, जिसके लिए 11 साल और 11 साल के नीचे के बच्चों को सिर्फ लिया जाता है। एंड ये बच्चों को कैसे लिया जाता है उसके लिए तुम्हें एनिमी को देख लेना एंड ये एनिमी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, इसका जो है सीज़न 2 अब आ चुका है एंड सीज़न 2 आ चुका है, तो सबसे पहले तुम सीज़न 1 देख लेना, उसके बाद तुम सीज़न 2 ज़रूर देखना। तो बस इतना।